इस बार के गणतंत्र दिवस में महिलाओं की भागीदारी विशेष तौर पर देखी जा रही है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व पहली मरतबा एक महिला कमांडर के द्वारा किया जाएगा। महिला कमांडर अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस हैं, जिनके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण राज्यपाल के हाथों होगा। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है और परेड का नेतृत्व छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अंकिता शर्मा के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आप सबसे पहले जब आपको आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था तो आपको कैसा महसूस हुआ था? क्योंकि सर्विस में आना मेरे सपने जैसा था, तो जैसा एक व्यक्ति को अपना सपना साकार होने पर लगता मुझे वैसे ही लगा था। मैंने इसके अलावा कुछ सालों में कुछ और सोचा नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हुई थी और साथ ही कर्तव्य बोध का एहसास हुआ था। आप इस परेड का नेतृत्व कर रही हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही गर्वान्वित फील कर रही हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं 26 जनवरी जैसी परेड का नेतृत्व करूँ और एज परेड कमांडर यहाँ पर लीड करूँ। इस बार गणतंत्र दिवस फीसदी जो है महिलाओं की भागीदारी है, साथ ही राज्यपाल भी एक महिला है, तो आप क्या संदेश देना चाहती है बाकी जो महिलाएं हैं उनको? मैं बस ये कहना चाहूंगी उन्हें कि जो सपने देखते हैं उनके सपने पूरे होते हैं, तो सपने देखिए और उन्हें पूरा कीजिए। और साथ ही मैं उनके परिवारजनों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, उनके जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने में सहयोग करें। और साथ ही जो महिलाएं विवाहित हैं और जो शादीशुदा है, तो उनके हस्बैंड और उनके इन लॉ से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने घर के जो भी बच्चे आगे आए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें। तो ये थी हमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस से खास बात थी। उन्होंने बताया कि सपने देखना महिलाओं के लिए अच्छी बात है। वो सपने देखिए, अगर आप सपने देखते हो तो जरूर पूरे होते हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।